प्रफुल्लित हूं। मुझे नहीं पता आपने प्रभु के साथ बढ़ना है, नहीं तो आने वाले दिनों में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। परमेश्वर अभी आपको सेव करता, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसकी आने वाली समस्याओं में इसकी चेस्ट की और हार्ट की समस्या शैतान बढ़ा देगा अगर तुमने अपना रिश्ता स्ट्रांग नहीं किया। समझ गए मेरी बात? ये देखो, देखना, याद रखना, अगर समझ आ गई मेरी, तभी जो भी तकलीफ है वो जा रही है। फ्री फ्री इन द नाइट बताना है। अभी 35 साल से नशा कर रहे हैं, 35-36 साल से, है ना, समझ आ रही? तो इतने लंबे समय से नशा कर रहे हैं, तो कोई तो बॉडी में गड़बड़ होगी ना, तो उसका असर किस में हो गया? चेस्ट पे, हार्ट पे। अब शुरू ही हुआ अभी। अगर सही समय से मन ना फिराते, परमेश्वर मेरे द्वारा उस शैतानी चीज को उस दिन मेरी अगुवाई करके ना डांटता और इन्हें फ्री ना करता, तो कुछ भी हो सकता। जो संसार में समझते हैं ना, यीशु मसीह धर्म बदलते हैं, ये लोग धर्म बदलते हैं, लालच देते हैं, पैसे देते हैं। तुम्हें से मैं पैसे लिए मैंने कुछ तुमसे आपसे? हाँ, कोई लिया पैसा कोई धर्म बदलने के लिए? हालेलुया। इस भाई का नाम गुलजार सिंह है और जे चब्बाल रोड पुस्से गांव के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही जे जे बता रही कि इनकी मैरिज को 36 साल हो गए, और जे बता रही कि उस समय से जे ड्रिंक का नशा कर रहे थे, और जे बता रही कि प्रभु में विश्वास करते हुए इनको 25 साल हो गए, और जे बता रही कि जब जे प्रभु पर विश्वास कर रहे थे और तब भी जे बता रही कि ड्रिंक का नशा इनसे जी छोड़ नहीं पा रहे थे। जब बता रही कि रोज ही रात को जो ड्रिंक का नशा करते थे, और जब बता रही कि सुबह उठकर 4 बजे नहा कर जब बता रहे फिर प्रार्थना भी करते, बाइबल भी पढ़ते थे, पर फिर भी जो बता रहे कि ड्रिंक इनसे छूट नहीं पा रही थी, जिसके कारण जब बता रहे कि इनके घर वाले भी बहुत परेशान थे और इनकी भी चाहते कि जो मैं नशा कर रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर इन जो छोड़ नहीं पा रहे थे। पर जो इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है, पॉजिटिव विश्वास, और जो लगातार अच्छा अंगीकार भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे कि परमेश्वर में ड्रिंक नहीं करना चाहता, और जो बता रहे कि इसके कारण जो बहुत परेशान थे क्योंकि परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बड़े कामों को प्रकट किया, पर सिर्फ यही काम था जो कि इनका पूर्ण विश्वास नहीं बन पा रहा था। और जो बता रहे कि जे अपने आप ड्रिंक छोड़ नहीं पा रहे थे, पर जे विश्वास करते थे कि परमेश्वर आप मुझे इससे भी पूरी तरह फ्री कर चुके हो। और जे बता रहे कि पिछले 15 दिन से जे बता रहे कि फिर जे लगातार दिन रात ही ड्रिंक कर रहे थे, दिन के समय भी जो ड्रिंक करते थे, रात के समय, और जे बता रहे कि खाना तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, पर ड्रिंक इतनी ज़्यादा कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा, और जिसके कारण जे बहुत ज़्यादा इनके घर वाले, इनके वाइफ भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ड्रिंक जे सुबह के टाइम भी जे बता रहे कि जब भी नशा उतर जाता था फिर से जे बता रहे कि ड्रिंक कर आ जाते थे, इतना ज़्यादा इनके घर वाले और जे भी अपने आप जे परेशान रहते थे कि मैं छोड़ नहीं पा रहा। पर जैसे जे बता रहे कि जब इन्होंने भी 18 अगस्त की मीटिंग अटेंड की थी, पर जे बता रहे कि इसके लिए ना तो इन्होंने टीम को बताया था और ना इन्होंने फॉर्म फिल कराया था, उस दिन भी परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड था कि आज आप लोगों के लिए ले हैंड होगी। और जे बता रहे कि उससे पहले ही इन ड्रिंक करने से इनके छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, इनको सांस लेने में इन्हें तकलीफ रहती थी। जे बता रहे कि जे अपनी छाती पर हाथ भी रखते तो बहुत ही ज़्यादा दर्द निकलती थी, और जे बता रहे कि ड्रिंक के कारण जे प्रॉब्लम आ गई थी। पर जैसे उस दिन इनके लिए लैंड प्रार्थना हुई थी, तो प्रेयर करते ही परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की थी जो जे प्रॉब्लम इनके बॉडी में आ रही थी, और हम इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। सुनो, वीडियो क्लिप को 2 मिनट रुको, इनको माइक दो। कितने साल हो गए आपको नशा करते? 35-36 साल हो गए। 35-36 साल हो गए और शूट ही नहीं रही थी? हाँ जी बाबा जी, रे करदा ही था पर नशा छोड़ दिया, पर नहीं मतलब छोड़ दी नहीं, प्रार्थना कर दी रात भी 4 बजे भी, मतलब ये एक चीज इन्होंने अच्छी रखी, ड्रिंक करने के बावजूद भी बाइबल पढ़ते थे और प्रार्थना भी करते थे,
देख लो परमेश्वर कैसा दयावान और प्रेमी है। अगर कोई और कुछ होता तो वो समझ सकते हो तुम मेरी बात, क्या होता, समझ आ रही है? पर परमेश्वर ने, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए है, क्या है बोलूं? पर हुआ क्या है कि जिस कारण लगातार इतने साल से ड्रिंक करनी और इन दिनों में थोड़े दिन पहले ही इनकी ड्रिंक और ज्यादा बढ़ गई, खाना मिले ना मिले ड्रिंक ज्यादा बढ़ गई सुबह रात, समझे? जिसके कारण इनकी चेस्ट में ये प्रॉब्लम आ गई, सांस चढ़ने लगी और क्या होने लगा? हाँ पापा जी दर्द होने लगी था, सारा हाथ लाने दुखदा है, मतलब पूरी ये चीज दुखने लगी। हाँ जी ऐ माड़ा जिहा करीदा, सारा पेट दुखण लग पिया, मतलब हल्का सा हाथ भी लगाते इतनी दर्द होती थी, तो जब चलते तो सांस चढ़ती थी, सांस फूलती थी। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं जानता बोलिया नहीं, तुरिया नहीं जानता, बोलिया नहीं जाता थे। चलो ठीक है, क्योंकि उस समय अभी इनकी ये जो बता रहे हैं ना, मतलब हाथ नहीं रखा था, चलते थे, सांस चढ़ती थी, सांस फूलती थी, तो बोला भी नहीं जाता था, बोलो क्या बोला भी नहीं। फिर इसके लिए अभी हमने मेडिसिन शुरू की कि नहीं की थी? अजी नहीं पापा जी, मेडिसिन नहीं खाई है ना अभी, क्योंकि जैसे ही शुरू हुई तो ये यहाँ पे आ गई। पर हुआ क्या, चलो अब दिखाओ, दिखाओ उस वीडियो क्लिप को दिखाओ। ओ भाई मुझे नहीं पता, अपने प्रभु के साथ बढ़ना है, नहीं तो आने वाले दिनों में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पर परमेश्वर अभी आपको सेव करता, मुझे नहीं पता ठीक है, इसकी आने वाली समस्याओं में इसकी चेस्ट की और हार्ट की समस्या शैतान बढ़ा देगा अगर तुमने अपना रिश्ता स्ट्रांग नहीं किया, समझ गए मेरी बात? ये देखो, देखना, याद रखना, अगर समझ आ गई मेरी, तभी जो भी तकलीफ है वो जा रही है, टच फ्री फ्री इन द नेम, बताना है अभी। इन्होंने कोई टीम को नहीं बताया, कोई ले हैंड फॉर्म नहीं भराया, क्या नहीं भराया उस दिन, बस मेरे आत्मा में आया आ जाओ, ले हैंड होगी, क्या होगी बोलो, तो ये आ गई। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो कोई ले हैंड नहीं, कोई कुछ नहीं, पर जैसे मैं कर रहा था तो जो प्रॉब्लम के लिए ये आगे आए, तो मैं तो प्रार्थना कर रहा था भी, तो इन्होंने देखा कुछ मुझसे बात की, मुझसे कोई अपने क्लिप में देखा कोई बात की मुझसे, तो मैं बता रहा था कि भाई जो तुझे ये प्रॉब्लम है, ये तेरी चेस्ट की, ये दर्द की, आने वाले दिनों में अगर तूने अपने मन को नहीं फिराया, क्या नहीं फिराया, तो हो सकता कि आने वालों में दिनों में ये समस्या बढ़ सकती, क्या बढ़ सकती है, अभी तो दर्द शुरू हुई है, अभी तो सांस फूलना शुरू हुई है, कल को हार्ट का कुछ ऐसा रोग लग सकता है। जब मैं ले हैंड कर रहा था, समझ आ रही है, कितने विश्वास करते हैं, कितने विश्वास करते हैं कि जहां पे हम परमेश्वर में लेकर आया है, वो राइट प्लेस पर लेकर आया है, यहां पे परमेश्वर अपनी दास की अगुवाई करता है और अपने लोगों को छूता है, उनके लिए बोलता और उनकी उनको नाश होने से बचा रहा है, क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ जाती, क्योंकि 35 साल से नशा कर रहे हैं, 35-36 साल से, है ना, समझ आ रही, तो इतने लंबे समय से नशा कर रहे हैं, तो कोई तो बॉडी में गड़बड़ होगी ना, तो उसका असर किस पे हो गया, चेस्ट पे, हार्ट पे, अब शुरू ही हुआ भी, अगर सही समय से मन ना फिराते, परमेश्वर मेरे द्वारा उस शैतानी चीज को उस दिन मेरी अगुवाई करके ना डांटता और इन्हें फ्री ना करता, तो कुछ भी हो सकता था, क्या हो सकता था बोलो, कुछ भी हो सकता था। आज कैसे, अभी तो दर्द नहीं है? हाँ जी नहीं, कोई बात, ऐसे ऐसे करो थोड़ा, नहीं ऐसे ऐसे करो, दबाओ, आला देखो, आ जाए, हाथ नहीं लगता, अब देखो कैसे दबा रहे हैं, हाँ अब चलने में कोई सांस तो नहीं फूलती, चलो फिर थोड़ा सा, चलो चलो
धन्यवाद करा। हाँ अब माइक दो ने, माइक दो माइक। आज कितने दिन हो गए कि ड्रिंक नहीं की? आज 25 दिन हो चले जी। कर लो गल, 35-36 साल का बंदा आज 25 दिन हो गए उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। वचन और प्रेयर लगातार अभी जे कर रहे हैं और भी ज्यादा। हम क्या कर रहे हैं? वचन और प्रेयर में भी लगातार कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बढ़ते रहना, ऐसे बने रहना। जो 23 सालों में नहीं ना हुआ, कुछ ही समय में परमेश्वर देखना क्या कुछ करेगा आपके साथ। ठीक बाबा जी, समझते हैं। क्योंकि हमारे टाइम को कौन वेस्ट करता है? शैतान करता है। जो रिश्ता बना लिया ना, अब लगातार जो प्रार्थना और वचन पढ़ रहे हो इसमें और बढ़ जाना, ठीक है। क्योंकि एक किस्म से परमेश्वर ने आपको नया जीवन दे दिया है। क्या दे दिया बोलो? नया जीवन दे दिया। नया जीवन दे। तारीफ करो, धन्यवाद, जोर से तारीफ करो। एक बार खड़े होकर करो, यीशु ने बचाया, खड़े होकर तारीफ करो उस खुदा की। धन्यवाद करा मैं, मैंने यीशु ने बचाया है। धन्यवाद करागा मैं, मैंने नशे तो छुड़ाया है। धन्यवाद करागा मैं, जिन बहनों के नशे करते हैं पति, बच्चे नशे करते हैं, वो शास करो, रिसीव करो जो ऑनलाइन भी है। विश्वास कर लो और रिसीव कर लो। जिन बहनों के पति नशा करते हैं, बच्चे नशा करते हैं, वो खुदावंद उन्हें भी गवाही से जल्द लेकर आने वाला है। अगर आमीन ऊंचा है तो ये सारी ब्लेसिंग स्वर्ग से आज आपके ऊपर है, उतर रही है। ओके जी, परमेश्वर आपको और बरकत दे, और बढ़ना और अपनी गवाही। जो लोग संसार में, सुनो मेरी यार देखो, जो लोग इस संसार में आपके जैसे फंसे हैं, अंधेरे में फंसे हैं ना, कितनी दुनिया है तुहाडे पिंड विच, कितने लोग ने? बहुत लोग हैं, बहुत लोग ने। अब उन्हें बताना है कि मैनू किन्ने छुड़ाया और मैनू किन्ने, मैनू नाश होने तो बचाया। दसना अपनी गवाही कि मेरी, मैनू चस्ट का रोग हो गया सी, हार्ट का रोग हो गया सी, मेरी सांस, मेरा जिहड़ा साह है वह फुलन लग पिया सी, मेरे को बोलिया नहीं जाता सी। अपनी गवाही नू माइक दे दो। पापा जी मैं उदन ही जाके, जिदा तुम मैं आशीर्वाद दिता उदन जाके बताया भी बाबू जी होना मैं सब कुछ बचाता, अज तो मेरा जीवन अच्छा करता है। उन्होंने मैं कोई दसिया नहीं, कोई गल नहीं की, ना अपने घर देना की, तो ना मैं देख ही आता जो मैं प्रॉब्लम नहीं। घर वालों को बताना, जिहड़े पिंड दे लोग ने तुहानूं जानदे ने, उन्हां नूं अपनी गवाही जरूर दसनी है। क्योंकि अगर असीं दसांगे नहीं तो लोग बचणगे किद्दां? दसी अपने यारां दोस्तां सारां दसी जा गए। अच्छा, तो उनको बताना कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, वो ईसाइयों का खुदा नहीं, अंग्रेजों का नहीं, वो धर्म बदलने के लिए नहीं, वो लोगों के जीवन को बचाने के लिए और जीवनों को बदलने के लिए आया है। जो संसार में समझते हैं ना, यीशु मसीह धर्म बदलते हैं, ये लोग धर्म बदलते हैं, लालच देते हैं, पैसे देते हैं। तुम्हें से मैं पैसे लिए मैंने कुछ तुमसे, आपसे? हाँ, कोई नहीं, कोई लिया पैसा कोई ना, धर्म बदलने के लिए? ये धर्म में कोई पैसे की गल नहीं जी, मुक्त वेलो जी, जिंदगी मुक्त दिखेगी। समझ आ रही है? तो ये सब झूठ है जो संसार में ऐसे लोग करते हैं। तो मुझे और आपको चुना है परमेश्वर ने, अगर हमारी आत्मिक आंखों को खुदा ने खोला है, तो जो लोग नहीं जानते हमें उन्हें बताना है। ये छोटी सी बात नहीं है भाई, बोलो क्या ये? क्योंकि 35-36 साल से नशा करता हो बंदा, उसको ऐसी समस्या आ जाए और शैतान अपनी जुक्ति बनाकर उसके जीवन को नाश करना चाहे, और परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, अपना वचन दे और इसे फ्री करे। उसी दिन हो गए थे? हाँ जी, उसी दिन हो गए थे। जहां पे भी जाना, बस में, ऑटो में, शादी में, कहीं पर भी जाओ तो अपनी गवाही लोगों को बताना है कि परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है। क्या कर दिया बोलो? ठीक है, हाँ, हर एक जगह बताना है।